चलो जो लेफ्ट हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेगा। चलो देखते हैं, दिख रही है ना सर स्क्रीन सबको? यस सर। इसलिए हम हाँ क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा ये आया था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, तो एक चार्ज है हमारे पास कोई भी क्यू कूलम का, उसको कितने में डिवाइड करूं कि उनके बीच पे जो फोर्स आए वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, सोचो थोड़ा। तुम सर क्या बोला? एक चार्ज है क्यू, दिख रहा है, हाँ जी उसको मैं कितने दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो कितने कितने दू? दो पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं कि क्यू क्यू। चलो मैं इसको और सीधा कर देता हूँ क्वेश्चन को। मेरे पास एक चार्ज है टू क्यू, इसको मैं कैसे डिवाइड करूं कि वो जो टू दो चार्जेस बनेंगे, सपोज करो मैं इस टू क्यू को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक चार्ज को वन क्यू लिख दू, दूसरे को भी वन क्यू लिख दू, अभी भी टोटल चार्ज कितना है। टू क्यू अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.5 क्यू 1.5 क्यू, यस लिख सकता हूँ। हाँ सर। बोलो, नहीं नहीं हो जाएगा नहीं लिख सकते? ये हाँ ऐसे लिख सकता हूँ सर। कैसे? 0.5 एंड 1.5, यस सर। सर नहीं नहीं क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते आपने तो हैं। बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्या होने चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए दोनों साइड। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, ओ हाँ भाई, हाँ तो हम कह रहे थे जैसे ये टू क्यू है बच्चे मेरे पास चार्ज, या तुम और भी आसान ले लो, तुम्हें 0.5, मैं क्या कह रहा था, तुमने किस किसी ने कुछ बोला कि 0.5 चार्ज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आपने अभी तो कंडीशन बताई कि दोनों साइड मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मैं बताया, आंसर बताया ना, तुमसे पूछा कि इसका आंसर इक्वल कैसे आया। अगर मेरे पास चार क्यू का चार्ज है, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता हूँ, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 3 क्यू और 1 क्यू भी तोड़ सकता हूँ ना, सर। टू क्यू और 2 क्यू में भी तोड़ सकता हूँ, यस सर। हाँ जी। सर और कैसे तोड़ सकता हूँ बताओ, टू उन्हें पॉइंट फाइव और 1.5 में भी तोड़ सकता हूँ, यस है ना? इसको अगर मैं इसको इसमें तोड़ूंगा तो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगी, अगर इन दोनों में तोड़ूंगा तो इन दोनों के बीच में लगेगी, फिर इन दोनों के बीच में लगेगी। कौन सा केस ऐसा है जिस केस में फोर्स ज्यादा होगी, F1 ज्यादा होगी, F2 ज्यादा होगी, F3 ज्यादा होगी? सर। बोलो बोलो, F3। क्यों F1 क्यों ज्यादा होगी? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स किसका? का K Q1 प्रेशर एरिया Q2 वन क्यू। तो बताओ किस केस में ज्यादा होगी फोर्स? अच्छा रुको सर, F2 में सर। F2 टू में, क्यों? में भाई क्योंकि इक्वल है, लोने से क्या हो जाता है? क्योंकि मैंने आपने और जो बताया वो भूलो, तुम अपनी तरफ से तो बताओ कि क्यों ऐसा लगता तुम्हें। दोनों के सर्फ रेडियस भी इक्वल ही है। डिस्टेंस बोलो उसको, रेडियस मत बोलो, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। आर यस सबके लिए सेम है, सिर्फ के भी सबके लिए सेम है, सिर्फ Q1 और Q2 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब तो जिसमें Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसकी फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पढ़ा हुआ है ना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यस तो जिसमें सर। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट यहाँ क्या आ रहा है, तीन, यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्री चार, पे फोर क्या आ रहा है बताओ, थ्री और फोर से कम कम आएगा या ज्यादा आएगा, फोर से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर। कम आएगा, सिंपल सी बात है। तो बताओ कौन से केस में फोर्स ज्यादा आ रही है, F2 में F2 में। तो याद रखना, अब जब भी दो चार्जेस को इक्वली डिवाइड करूंगा तभी फोर्स उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी केस में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसे ही अगर मैं ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में पूछता जी M1 M2 अपॉन में R², बताओ कब फोर्स ज्यादा होगी, जब M1 और M2 दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, राइट?
सर, तो याद रह, आज रह जाएगा ये बात अब, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है? Q1 Q2 को प्रोडक्ट करके ज्यादा वैल्यू आती है, इसीलिए इनमें फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी को कोई डाउट? जिसको डाउट है हैंड रेज, जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप। कर लेंगे, चलें आगे। हाँ, यस सर, यस तो उसका आंसर क्या आ जाएगा उस क्वेश्चन का? 2Q। और टू क्यू अब आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज हमने कल पिछली बार में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, राइट? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट। बोलो तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम। सर आपने चार्ज पर यूनिट, बोलो बोलो बोलो। चार्ज पर यूनिट एरिया वॉल्यूम इनकी डेंसिटीज के क्या नाम थे? एक का नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे का क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरे का क्या था? वॉल्यूम चार्ज। याद आ गया क्या? इसको हम किससे लिखते थे? लैम्डा से। इसको किससे लिखते थे? सिग्मा सिग्मा से। इसको किससे लिखते थे? रो यार आ गया, सर, थोड़ा रिवीजन करना करो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। करवाया था क्या नहीं, ये आपने जो संडे को क्लास ली थी तब करवाया था। उससे पहले करवाया था। संडे को तो हमने सिर्फ क्या किया था बताओ? संडे को क्या सर किया? हाँ, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये किया था। से कम पहले तो बोल देते, मेरे से मिस हो गई थी वो क्लास। ये बोला था स्पेशल, मैंने तो कितने घंटे, 1.5 2 घंटे पहले क्लास का लिंक दिया था ना, शायद यस भेजा था सर, ना। यस। मैं हाँ, 2 घंटे पहले घर पे नहीं थी, मेरे पास फोन ही नहीं था, आप अचानक अचानक से लिंक भेज दिया आपने। से थोड़ी था, अचानक से नहीं था, पहले से तुम्हारी क्लास लग रही थी। पर उस दिन हॉलीडे आ अच्छा गया एक दिन ना, तो मैंने कहा हॉलीडे क्या क्या ही फायदा जब तुम्हारे एग्जाम ही अच्छे नहीं होंगे। चलो हाँ जी, अभी तो ये करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं। आज किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, क्या लगता है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फटाफट बात करेंगे अब। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड, अभी जो हमने पीछे बात किया हुआ, किसके बारे में बात की थी? सारी करंट, चार्ज करंट की बात की थी। अच्छा, और करंट की बात की थी हमने, चार्जेस की बात, किसकी बात चार्ज की थी? चार्जेस की। तो चार्जेस के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहली बात तो ये समझो करो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भला, है ना? नाम से पता चल रहा है क्या है ये? एक फील्ड। फील्ड मतलब क्या है? कोई स्पेस है ना, कोई एरिया, एरिया है, स्पेस है, जगह है कोई, है ना, खुली सी, ऐसा समझते फील्ड से। तो चार्ज के अराउंड ही कोई ऐसा स्पेस होता है, ये क्यू चार्ज है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, जी जिसका वैल्यू बहुत बड़ी है, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, ऐसा समझ लो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर एक मैं छोटा सा चार्ज ले आऊं इसके पास, पॉजिटिव का। कौन सा चार्ज ले आऊं? छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आया सर। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है? बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा छोटी है। तो बताओ ये कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा क्या? सर, ब्लू से मत लिखो। कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? कैसी यस सर, यस सर, फोर्स लगाएगा? कैसी फोर्स अट्रैक्टिव, लगाएगा? अट्रैक्टिव अट्रैक्शन, या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव। कैसे? इसका साइन क्या है इस चार्ज का, इस वाले बड़े वाले का? पॉजिटिव बड़ा क्यों है या नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और छोटे क्यू का कहाँ नेगेटिव दिया नेगेटिव? पॉजिटिव हाँ, तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट। होगी अट्रैक्ट कैसे बोल रहे हो भाई? ये कौन सी रूल में पढ़ लिया तुमने? पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैंने चार्ज का मैग्नेट साइन नहीं दिया हुआ तो क्या एज्यूम करोगे? पॉजिटिव ही एज्यूम करोगे ना, जब तक नेगेटिव नहीं बोला। तो रिपेल ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? करेंगे, तो इसलिए इसको करेंगे रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जी। तुम देखते हो इसको चुंबक से समझो। अगर एक चुंबक होती है बहुत छोटी सी, या कोई कैसे भी, ये चुंबक दिख रही है, सपोज करो ये चुंबक है, यस सर,
यहाँ पर एक और छोटी सी चुंबक लेके आ रहा हूँ मैं, तो ये इतनी दूर पड़े हैं, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, वो क्या अभी भी अटैक कर पाएंगे? स्टार्ट नहीं सर। अब मैंने देखा कि ये एकदम ना थोड़ा सा अट्रैक्शन करने लग गए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा करें सा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे ले आए तो अट्रैक्शन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी बढ़ेगी सर, अट्रैक्शन बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। थोड़ा सा और पास ले आऊंगा तो अट्रैक्शन और बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट शुरू होने लग गया है ना। तो ऐसा क्या यस हो रहा सर है कि यहाँ पर आके अट्रैक्शन होने लगी लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रही थी, और जैसे जैसे सर पास में जा रहा हूँ अट्रैक्शन और बढ़ गई, क्या हो रहा है ऐसा? वो उसकी कंटेक्ट कम हो गया हाँ, उससे। एक बात तो ये है कि सर डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स बढ़ गई है ना। अगर इनको समझो, ये अब ये चुंबक की जगह क्या रख दो, सिर्फ चार्ज रख दो तो भी तो ऐसा ही है। एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, एक नेगेटिव चार्ज रख दो, तो भी तो यही होगा ना। सर शुरू शुरू में तो इधर रख रहा था, नहीं नहीं थोड़ा सा आगे किया तो एकदम से अट्रैक्शन होने लगे। तो एकदम ऐसा ऐसा क्या हुआ कि थोड़े टाइम डिस्टेंस पे, जहाँ थोड़ा जहां पर लिखा हुआ मैंने उससे जस्ट पहले, यहाँ पर तो कोई अट्रैक्शन नहीं थी, बस इधर आते ही अट्रैक्शन शुरू होगी, इधर क्यों नहीं हो रही थी? ऐसा क्या डिस्टेंस में फर्क आ गया कि यहाँ पर आते ही इंट्रैक्शन शुरू हो गई? पे फील्ड नहीं आ रही ना जिससे वो हाँ, अट्रैक्ट करे। क्या था एक्चुअल में, ये जो फोर्स लग रही थी ये कैसे क्यों लग रही थी? ये कैपिटल क्यू चार्ज है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज, इसके अराउंड बच्चे क्या बनता है, एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एरिया बनता है बहुत, इसके अराउंड रीजन दिख रहा है, एक रीजन। तो क्या हुआ, जब स्मॉल क्यू आया, वो छोटा सा चार्ज जो यहाँ था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर आया कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही यहाँ पर आया तो उसके ऊपर थोड़ी सी रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो गई, और थोड़ा पास में आया तो रिपल्शन और बढ़ गई, और पास में आया तो रिपल्शन। तो और बढ़ गई यहां से यहां तक क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा था? क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर था। कहाँ से बाहर था? इसके फील्ड से फील्ड से बाहर था। जैसे ही इसके फील्ड में थोड़ा सा अंदर आया, इसके ऊपर क्या फोर्स लगने लग गई? छोटे तो तुमने कैसे छोटे पहचाना कि फील्ड कहाँ पे है, फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, ये तुम कैसे बता पाओगे? मुझे कोई बता पाएगा आप कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से फील्ड सर स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पर फील्ड खत्म हो रहा जहां से उस पे फोर्स एक्ट है? कर पड़ जाएगी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको ये बात? छोटे चार्ज को फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन हो, चाहे वो फोर्स रिपल्शन हो, जहां तक जहां से उस छोटे चार्ज को फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा इसके फील्ड की स्टार्टिंग हो चुकी है, राइट? है ना। तो मतलब अगर इसके ऊपर फोर्स कम लग रही है, बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुई है, तो मतलब इसका फील्ड अभी जहाँ पे एंड पॉइंट है इसका, है ना, मतलब ऐसा। जैसे फोर्स ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब फील्ड भी क्या हो गया, मतलब उसका स्टार्टिंग स्ट्रोंग हो पॉइंट गया, स्ट्रोंग हो गया ना फील्ड, मतलब अब अंदर में अंदर आ गया चार्ज, इसका मतलब स्ट्रोंग। भाई यहाँ पर इसका फील्ड का इफेक्ट ज्यादा था रेड वाले का, है ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड का इफेक्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, तो यहाँ पर फील्ड का इफेक्ट कम था तो फोर्स भी क्या लगी थी इस पे, कम। यहाँ पर फील्ड का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा था तो फोर्स भी क्या लग रही है, ज्यादा। ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट और ज्यादा था तो फोर्स भी क्या लग रही है, ज्यादा। यहाँ पर कोई फील्ड का इफेक्ट था ही नहीं नहीं सर, तो फोर्स कोई लगी ही नहीं। तो अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, ये फील्ड क्या है, इस कैपिटल क्यू के अराउंड एक रीजन ही तो है ना। ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के अराउंड रीजन है जिसके अंदर अगर एक कोई छोटा चार्ज या कोई और चार्ज एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है? तो वही हो गया, अब ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज एंटर्स इट एक्सपीरियंस अ, क्या बोलोगे, फोर्स बोलो जोर से बोलो, फोर्स फोर्स फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है उस बड़े चार्ज के अराउंड जिसके अंदर कोई और चार्ज एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग उतनी ज्यादा फोर्स लग रही है। मैं बोल रहा हूँ कि उतनी ज्यादा स्ट्रोंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम फोर्स लग रही है, बोल रहा हूँ उस पॉइंट पर, उतनी कम इलेक्ट्रिक
फील्ड की स्ट्रेंथ है, समझ में आ रहा है उस पॉइंट पर। तो तुम्हें दिख रहा है ना पॉइंट टू पॉइंट फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, अगर पास आ रहा है तो फोर्स ज्यादा लग रही है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी क्या है ज्यादा। तो बस समझो, अब इसको पढ़ो इस लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे बोला सर, कि चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वही तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ना। अगर चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी देखा है ना हमने, ये देखो यहाँ पर देखा है ना, यस सर, हाँ, इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ अपॉन क्यू बोल देते हैं फोर्स, और ये क्या है चार्ज। ये कौन सा चार्ज है जो मैं फील्ड के अंदर लेकर आया हूँ, समझ में आ रहा है, कौन सा चार्ज है बताओ, कैपिटल क्यू होगा या स्मॉल क्यू होगा, स्मॉल क्यू। देखो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड एक्सर्ट। सपोज करो अब ये इसके ऊपर रिपल्सिव कर रहा है, तो मतलब दूर की तरफ फेंक रहा है ना अपने से बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए कैसी होगी अभी बताते, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, अभी देखा ना बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी फील्ड भी बाहर की तरफ, और नेगेटिव, हाँ बोलो, और नेगेटिव के लिए क्या होगी अंदर की तरफ, अंदर यानी टुवार्ड, टुवार्ड अपने पास अट्रैक्ट करेगा ना। यस सर, देखो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है फील्ड लाइंस, ये देखो फील्ड लाइंस अभी नहीं बता रहा मैं, बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, दिख रही है ये बाहर की तरफ जाती हुई, और नेगेटिव चार्ज के कहां जा रही है, पास में, पास पास में, तो इसको बोलते हैं टुवार्ड्स, इसको क्या बोलते हैं आउटवर्ड, अवे बोल दो या आउटवर्ड बोल दो। चले आगे सर को, यस सर, हाँ बोलो बोलो सर, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलना सर जो आपने खुद बोली थी। हाँ सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखी देता हूँ, इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज एंटर्स, इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे देखो तुम्हें दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, देखो ऊपर वाले चार्ज से दिख रहा है, और नेगेटिव चार्ज के पास आ रही है, देखो यहाँ पे देखो पास में आ रही है ना, और पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, और ये जो लाइंस बना रखी है ना, ये जो लाइंस दिख रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी बताते हैं, ये देखो इसको हम, ये अभी हमने नहीं देखना, ये यहाँ पर देखो, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज समझ में आ रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है, दिख रहा है, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद, अभी नहीं, ये इसमें आ जाएगा, ये किसमें आएगा बच्चे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक जैसे हमने भी फोर्स का पढ़ा था ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर, वैसे इसका भी होगा, तो कर लेंगे इसको दो मिनट के लिए। तो आगे चलो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सबसे पहले देखो हमने जो फोर्स पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, सबसे पहले जब फोर्स पढ़ा था तो कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, कूलम्स लॉ किसके लिए था, कौन से चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे, वहां पर पॉइंट चार्जेस था, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, इसका भी फर्क है, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम दो चार्ज की बात करते थे एक टाइम पर, क्योंकि फोर्स के लिए यहाँ पे सर एक ही चार्ज की बात करेंगे, अभी बताते हैं कैसे बात करेंगे, बात दो की ही करेंगे लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ
एक शार्ट आएगा, अभी देखते हैं कैसे। सबसे आसान चीज है अगर शुरू शुरू में देखोगे एंड तक बने रहना, इसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और बच्चे खत्म हो जाते हैं, मतलब कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी। हम करेंगे लेकिन ये तो आसान होगा अभी, ठीक है। तो एंड तक बने रहोगे ना शुरू से लेकर एंड तक, तभी हो पाएगा ये। और दूसरी बात, पहले मुझे ये बताओ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स का कराया था मैंने, उसके अभी क्वेश्चन तो पूरे नहीं हुए, बट हमने उसकी पूरी अच्छे से बता दिया था ना चार्ज को कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। पढ़ के आना उसको पहले, उसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका पढ़ोगे, कूलम्स लॉ वाला, फोर्स मतलब फोर्स का। तुम फोर्स का छोड़ो, फोर्स का छोड़ो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही बात होती है चाहे कहीं पर भी कर लो। तुम सिर्फ ये पढ़ के आना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने तीन केस पढ़े थे, एक तो जब लीनियर हो, एक सरफेस पे हो, और एक कहाँ हो, वॉल्यूम में। कहाँ होगा, वॉल्यूम में। तीनों चार्ज डेंसिटी होती थी, एक होती थी लीनियर चार्ज, एक होती थी सरफेस चार्ज, एक होती थी तो इसको पढ़ के आना अच्छे से। अभी के लिए ये करते हैं सर। अभी फील्ड लाइंस का क्या सीन है सर, ये दिख रही है फील्ड लाइंस, ये भी बताएंगे। इससे पहले ये करते हैं सर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या बोलता था, वो जो दो डेफिनेशन कराई थी, एक तो जो मैंने बताई थी, ये जो लिखी हुई है मैंने, दिख रही है, इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो तुम थ्योरी के हिसाब से लिखोगे, और ये जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उससे फॉर्मूला प्रूफ, फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो फॉर्मूला हम, अब सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता पाता था, जितनी उस चार्ज पे क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो मैं बोल सकता हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। जितना फोर्स ज्यादा लगेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यार ये याद रखना, ये क्यू वो चार्ज है जो मैं क्या करके आता हूँ, लेकर आता हूँ फील्ड में, याद आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की पता लग रही है मेरे को, इस स्मॉल क्यू की, नहीं जो वो बड़ा चार्ज है ना, जो बड़ा चार्ज था, समझ में आ रहा है, ये वाला दो चार्ज पड़े थे, एक तो कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू में चार्ज पे ले अंदर ले के आ रहा था ताकि मेरे को किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत पता लगे, बड़े क्यू की। तो याद रखना जिसकी ताकत मेरे को पता करनी है उसके फील्ड के अंदर किसी और चार्ज को ले आऊंगा, समझ में आ रहा है। Yes, sir. E is equal to F upon Q लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये F क्या है सर, F F को क्या बोलता हूँ बताओ सर, क्या बोला, force। F F क्या force, force किस किस के बीच में लगती है, force दो charges के बीच में। यहाँ पर दो चार्ज कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल Q कैपिटल क्यू ना, और डिवाइडेड बाय आर का, लेकिन ये तो होगी फोर्स की वैल्यू, और फोर्स के नीचे क्या लिखा हुआ, क्यू क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया सिर्फ ये कैपिटल क्यू था जिसकी फील्ड हम चेक कर रहे थे। जिसकी फील्ड चेक करनी है सर, तो फॉर्मूले में क्या स्मॉल क्यू आया, नो सर, इसके फॉर्मूले में सिर्फ एक चार्ज आएगा, समझ में आया, जिसकी फील्ड हम चेक कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वाला बंदा आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो होता है सोर्स चार्ज।
ये तो हो गया कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू का भी कुछ नाम होता होगा फिर। यस सर। यस सर बताओ स्मॉल क्यू का भी कुछ नाम होता होगा। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों सर? क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट किया है, जितना ज्यादा उस पे किसके ऊपर फोर्स लग रहा था, स्मॉल क्यू पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैपिटल क्यू की। तो स्मॉल क्यू एक तरह से क्या चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। ये सर टेस्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को, कि मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है तो सामने वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मेरे ऊपर कम फोर्स लग रही है तो सामने वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। समझ में आ रहा है? कम है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे, के क्यू अपॉन में आर का। ठीक है, समझ में आ जाएगा। करें आगे, थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ गया। सर कहाँ गए? यही है बच्चे, यही है। चलो आगे चले। यस सर। यही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ अपॉन क्यू, पढ़ा है ना, एफ अपॉन क्यू। यहाँ पर क्यू नोट लिख दिया, क्यू नोट मतलब वही टेस्ट चार्ज। क्या है? लेके आया मैं इसको, तो इस वाले का फील्ड दिख रहा है तुम्हें? ये जो सर्कल बड़ा बड़ा बन रहा है ना, स्फीयर सा, ये कैपिटल क्यू का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। नोट को कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। सर टेस्ट चार्ज याद रखना क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अगर बड़ा हो जाएगा ना तो सर ये भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाने लग जाता है ना, ज्यादा फोर्स लगाने लग। तो इस वाले की कैपिटल क्योंकि हम पूरी तरह से स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं कर पाते ढंग से, अच्छे से, बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा है? इसको बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं ताकि सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगे, ये ज्यादा इफेक्ट ना डाल सके। समझ में आ रहा है? छोटा चार्ज होगा। और जनरली हम कन्वेंशन के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कैसा नेचर लेते हैं इसका, लगभग हमेशा पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज टेकन पॉजिटिव जस्ट एज अ कन्वेंशन। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई रीजन हो इसका, मतलब कन्वेंशन है कि हाँ टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं हमारी कैलकुलेशन को इजी करने। समझ में आ रहा है? यस सर। अब वही है, इसने फोर्स लगाई है, फोर्स की डायरेक्शन बता दी इन्होंने, एन कैप जिसको हम आर कैप लिखते थे, बस एन कैप लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया था, अभी हमने निकाल ही लिया, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर एन कैप। समझ में आ जाएगा? यस सर। अभी जस्ट सॉल्व किया भाई। अब आ जाओ फील्ड लाइंस। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो चले मेरे को कि है कहाँ तक फैला है ना, कभी तो अट्रैक्ट करवा रहा है चीजें, कभी क्या हो रही है चीजें, अट्रैक्शन हो रही है, कभी रिपल्शन होती है। तो एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को, अभी देखो मैग्नेट को, मैग्नेट वाली बात करूं तो चार्ज और चार्ज या मैग्नेट और मैग्नेट मेरे को तो अट्रैक्ट और रिपेल होते दिखते हैं, मेरे को तो नहीं दिखता वो वाला रीजन। क्या मेरे को ये स्फेरिकल रीजन एक्चुअल में दिखता है ये फील्ड? तो सर ये कहाँ तक फैला है मेरे को कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर देखो, अगर चार्ज यहाँ होगा, चार्ज की इस कैपिटल क्यू चार्ज का जो फील्ड यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यानी ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, बताना स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, फर्स्ट पर या सेकंड पर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट पॉइंट पर या सेकंड पॉइंट पर? फर्स्ट पॉइंट पर। बताओ क्यों, फर्स्ट पॉइंट पर क्यों बोला? जो क्यू के पास है उसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ अच्छा, ये वाला कह रहे हो क्या, सेकंड पॉइंट कह रहे हो? सर कौन से दो पॉइंट दिख रहे हैं, पहले तो ये बताओ। सर अभी लगे पहले अभी दिख रहे थे, रुक जाओ अभी मैं इरेज कर दिया, दोबारा बना लो। देखो ये पॉइंट वन है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। टू है, इसका मतलब एक बार टेस्ट चार्ज को यानी क्यू नोट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक बार क्यू नोट को यहाँ रख रहा हूँ। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ ज्यादा आएगी, फर्स्ट पॉइंट सर बनने के बाद?
कैपिटल क्योंकि यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो कि कौन सा चार्ज है, सोर्स के नजदीक पास है, तो जितना पास में आता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और मेरे को ये भी मेरे को नहीं पता, ये तो मैं देख सकता हूँ ना कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग किस लिए वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पर स्मॉल चार्ज पर फोर्स ज्यादा लग रही है, कम ज्यादा लग रही है ना, तभी तो फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और टू पॉइंट पर फोर्स क्या लग रही है, कम लग रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी कम है। पर ये मेरे को पता कैसे चलेगा, ये तो मैं देख तो नहीं पा रहा, सिर्फ ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ या महसूस कर पा रहा हूँ देख के, पर मेरे को ये रीजन तो नहीं दिखता, ये स्फेरिकल रीजन कि यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नहीं दिखता ना सर, मैं सबको आसपास चारों तरफ एक सर्कल सा या स्फीयर सा बनता हुआ या चार्ज के आसपास दिखता हो, नहीं दिखता। तो इसी चीज को बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रोंग है, कहाँ पर क्या है, वीक है, कहाँ तक इसका रीजन फैला हुआ है, इसी चीज को बताने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, जिसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, कहाँ पर क्या होगा, वीक होगा, कितने रीजन तक फैला हुआ होगा, और अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो भी कौन बता देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ रहा है, डायरेक्शन बता सकती है, स्ट्रोंग है, वीक है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब बता दे, अंतर्यामी। हाँ अंतर्यामी, देखते हैं अभी आप दिख रहा है सबको। तो ये सबसे पहले इमेजिनरी लाइन्स है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती, हमने वैसे माना है इसको अपने आप ही, हमने ऐसे समझ लो कि इसीलिए इसको डिजाइन किया ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लग जाए, राइट? यस सर, यस सर। तो देखो, दे आर द लाइन्स ऑफ द कर्व ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सबसे पहले क्यों ड्रॉ करते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया आपको, यस सर, है ना सर। देखो, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नया डेफिनेशन बता दो इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हां जी, ये लिखे तो है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन और द कर्व ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सच दैट। हां, जो मैंने बताई है वो, हां जी हां, वो हम लास्ट में बताएंगे, इस सब के अंदर आ जाएगी, जो डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगी ना, फिर लास्ट में तुम्हें जाते जाते बताऊंगा, वो तब समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है, ठीक है। देखो, पहले तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी, ये सबसे आसान डेफिनेशन होती है इसकी, लेकिन अभी कंप्लीट करेंगे हम इसको कैसे बताएगी। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, राइट, बाहर की तरफ, याद रखना कहाँ होगी, बाहर की तरफ। कैसे समझे कि सर, अगर पॉजिटिव, और हमने देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पे डिपेंड, मतलब फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है, अगर फोर्स उस पे ज्यादा लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं पॉजिटिव कैपिटल चार्ज की इलेक्ट्रिक, तो वो रिपेल करेगा यानी बाहर फेंकेगा, तो रिपेल का मतलब आउटवर्ड, तो इसलिए क्या हो गया, इसकी भी फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए क्या होगी, फील्ड इनवर्ड, क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स, towards, मतलब उसके पास जाएगी, डन, yes, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हुआ हुआ है, एक में तो पास आ रही है, एक में क्या हो रही है, दूर जा रही है, ये देखो इसमें पास आ रही है, ये देख, डन। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मैं बोल रहा हूँ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैं दिखाई देता हूँ, अगर मेरे पास एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है सबको, यस सर, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ये सपोज करो ये, ठीक है, अब
सपोज करो ये जा रही है किसी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, अब ये टर्मिनेट हो रही है क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा इस पे? तो हर एक पॉइंट पे ये रीजन है, ये पॉजिटिव क्यों चार्ज है मेरा, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव क्यों दिख रहा है? तो और पॉजिटिव और माइनस क्यू के बीच में कुछ डिस्टेंस है यार, अभी तक तो पढ़ती है, इसके बीच में कुछ पॉइंट, पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे क्या, ए और बी के बीच में ये वाला पॉइंट भी हो सकता है क्या, पता मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या पता मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या पता मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ पर खड़े होकर मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हर एक पॉइंट पर, तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा? तो मैं कुछ नहीं करता, मैंने सिर्फ, अब ये भी कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगे, मैंने बताया ना सारा कुछ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भाई, जो पॉजिटिव चार्ज है ना या नेगेटिव चार्ज से जा रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पर एक टेंजेंट मार दो, क्या मार दो, दिख रहा है? अब दिख रहा है, ये मैंने एक टेंजेंट मार दिया इस पर, टेंजेंट समझते हो ना, अगर ये सर्कल है तो ये टेंजेंट हो गया, yes, sir. टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, अब सर्कल का एक पार्ट ऐसा काट दिया मैंने, अब इसके ऊपर टेंजेंट ऐसे नहीं मारूंगा, yes, sir. है ना? Yes, sir. देखो ये टेंजेंट मार दिया, ऐसे ये टेंजेंट मार दिया, दिख रहा है, ऐसे ये टेंजेंट मार दिया, तो देखो जिस पॉइंट पे तुम टेंजेंट मारोगे, अब ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट मारा, तो ये जो टेंजेंट का एरो आएगा ना, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, समझ में आ रहा है? अच्छा yes. अब डी पॉइंट पे पूछा हो तो डी पॉइंट पे एक टेंजेंट मार दो, तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, एट पॉइंट डी, समझ में आ रहा है? ऐसे इस पे मारोगे तो ये ऐसे दिखाएगा, तो हर पॉइंट पे अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो सब पे डायरेक्शन मारने के लिए क्या मारा हुआ, टेंजेंट मारा हुआ, किसी भी पॉइंट पर अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट गिव अस डायरेक्शन, ये याद रख लो, हर जगह काम आएगा, टेंजेंट हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन। चलो चले आगे, देखो yes, sir. अब देखो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, दिख रही है, दिख रही है, yes, sir. फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है सबको, रेड वाली, तो मैंने क्या किया सर, फर्स्ट वाली की डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट मार दिया ऐसे, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट मार दिया ऐसे, दिख रहा सर? नहीं सर, अभी दिखा देते हैं सर, ब्लैक ले लो, अब दिख रहा है ऐसे, यस सर, ऐसे टेंजेंट डाला, ड्रॉ कर दिया सर, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे तो डायरेक्शन दिखा ही रहा है मेरे को, इस पॉइंट पर भी दिखा रहा है, ऐसे इधर मारूंगा, स्टार्टिंग के पॉइंट पर देखो, यहाँ पर एक टेंजेंट मारा तो इसका ऐसे जाएगा ना, ये जो मार रखा है E1 के पास, दिख रहा है सबको ना, वो तो इसी ने लगा रखा है वाला, ऐसे ही नीचे वाली लाइन पे टेंजेंट मारूंगा तो वो ऐसे जाएगा स्टार्टिंग में, दिख रहा है? तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं लग रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है ऊपर की तरफ, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ, क्या एक पॉइंट का, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी चीज की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना, है ना? तो क्या हुआ, इसे क्या पता चला भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा या तो ऐसे होता, देखो ऐसे होता तो मैं इसके ऊपर डायरेक्शन दे देता, इस पे टेंजेंट मारता तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, राइट? यस सर। या मैं ऐसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मार देता ऐसे ये वाला, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती, डायरेक्शन होती, तो मैं बोल देता कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से इधर है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे, काट रही है ऐसे, ये एक की ये दूसरे की, दिख रहा है? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट मारो तो एक तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है और ये वाली नहीं आ रही, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है,
दो डायरेक्शन, क्या पॉसिबल है? नो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं नहीं करते। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो टेंजेंट उस पॉइंट पर जहां पर इंटरेक्ट करेंगी वहां पर मैं टेंजेंट डालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए, तो मुझे कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? कितनी बोलो भाई? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन जैसे इंटरसेक्ट कर गई मैंने उस पॉइंट पे टेंजेंट मारा तो कितने टेंजेंट दिखे? दो डायरेक्शन हो गए, दोनों अलग अलग टेंजेंट है ना, इसलिए। तो एक पॉइंट पर किस क्या एक चीज की दो एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है क्या एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर? नो सर, या इधर हुआ या इधर हुआ या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, तुम एक पॉइंट पर क्या दो जगह चल सकते हो? नहीं चल सकते ना। तो कैसे कर सकते? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन जैसे इंटरसेक्ट कर दिया मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके देखा तो आ रही थी, तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्या बोलोगे? इंटरसेक्ट। पूछ ले क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? टू डायरेक्शन। किसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन हो जाएगी। डन? यस। एक बार ये समझ नहीं आ रही, बोलो सर। नहीं सर, बीच में फोन आ गया था इसलिए नहीं समझ पाई। अच्छा, तो अपने फोन को थोड़ा सा रखा करो भैया। सर नहीं सर, वो आंटी आई सर, वो हटी नहीं है एकदम, फिर बार बार करने लगती है। एयरप्लेन मोड पे डाल के? अच्छा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते क्या तुम? सॉरी, नहीं मतलब मेरा मतलब ये था कि किसी के घर पे दूसरा फोन होता है ना, जिसके पास ये सुविधा है वो ऐसा कर दिया करो, जब आप क्लास लगा रहे हो मान लो आपकी मम्मी के पास फोन है जिसके अंदर नेट का रिचार्ज है, ठीक है, तो आप अपने फोन को डालो एयरप्लेन मोड पे, मम्मी का करो हॉटस्पॉट ऑन फोन का, और अपने फोन में वाई फाई ऑन करके उसको कनेक्ट करके लगाओ, किसी का फोन ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने ये बोला बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर कितनी डायरेक्शन शो हो जाएगी हमें? दो डायरेक्शन। दो डायरेक्शन नहीं है बस। तो इससे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आ जाओ। अब वो क्या कह रहे हैं? फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस ऑफ द चार्ज के। चार्ज के सरफेस के हमेशा कैसी आ रही है बच्चे? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर कैसे? मतलब अगर ये मेरा चार्ज का सरफेस है, दिख रहा है, तो इससे बाहर निकलते हुए आ रही है ना बाहर, तो बाहर इससे ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है उससे बाहर, तो कैसे होंगी? बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। इसको और भी अच्छे से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नहीं जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसके भी क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि सर परपेंडिकुलर आ रहा। तो एक पॉजिटिव चार्ज से सर बाहर निकल रही है तो कैसी है? उसके परपेंडिकुलर है ना सर सारी की सारी। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर चार्ज। चले? यस सर। अब ये भी तुम, ये तो तुम्हें पता ही है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि इस चार्ज का जो फील्ड है वो क्या है, इस दो चार्ज लिए मैंने, एक रेड वाला लिया और एक येलो वाला लिया, दिख रहा है? सेम पॉइंट पर लिया, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, दिख रहा है? आर इसके ही, इसी के भी कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। मैंने कहा कि इस डिस्टेंस पर इस कैपिटल क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? फाइव यूनिट्स। पर कितनी लग रही है? फोर यूनिट।
ये वाला कौन सा चार्ज होता है दोनों हमारे, नाम बोलो, टेस्ट चार्ज, ये भी कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो बताओ कौन से सोर्स चार्ज की फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी? रेड वाले की, कितनी फोर्स लगा रहा है? ज्यादा ज्यादा फोर्स। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता कि कैपिटल क्यू तो भाई यहाँ पर लगा रहा है 4 यूनिट की फोर्स स्मॉल क्यू पर, और वो जो येलो वाला है वो कितनी फोर्स लगा रहा है? 5 यूनिट्स की फोर्स लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है मान लो 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। अब क्या इसको कंपेयर कर सकते हो तुम डायरेक्ट देख के ही सिर्फ? यस सर। बताओ कि इसकी फोर्स फील्ड स्ट्रॉन्ग है? सर ये येलो वाली की, येलो वाली सोचो सानिया बताओ। सर येलो वाले की ज्यादा है क्योंकि सर इसमें जो रेडियस है सर 2 सेंटीमीटर है और लेंथ मतलब कम है, और रेड वाले की ज्यादा लेंथ। किसका मतलब ये सर कितने डिस्टेंस पर था? 2 सेंटीमीटर पर था ना, और फोर्स कितनी लगा रहा था? 5 न्यूटन। ये दूर है लेकिन 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? पिछले वाले केस में तो दोनों का डिस्टेंस क्या था बच्चे? सेम था। दोनों का डिस्टेंस सेम था, मतलब अगर ये रेड वाला यहाँ पर क्यू है और ये कितने ये स्मॉल वाला और रेड वाले में कितने डिस्टेंस है क्या स्मॉल आर का? ये स्मॉल आर ना लिख के अब इसको भी 5 कर दो, 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितना था? 5 सेंटीमीटर। और अब इस केस में ये लगा रहा है 5 न्यूटन, और ये भी कितनी लगा रहा है? ये लगा रहा है सपोज करो 4 न्यूटन। तब तो तुम बोल सकते हो सर दोनों का डिस्टेंस तो क्या है? सेम है। फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है कम लग रही है, इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, फोर्स उस पर ज्यादा लग रही है, यानी इसके जो फील्ड है यहाँ पर क्या है? स्ट्रोंग है। किसके मुकाबले? इस वाले के मुकाबले। समझ में आ रहा है? यस। डिस्टेंस तो दोनों सेम गया हूं मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है हर एक पॉइंट पर अलग अलग होता है, तो उसके लिए भी सेम पॉइंट है, इसके लिए भी सेम पॉइंट है, लेकिन फोर्स ये ज्यादा लगा रहा है, इसका मतलब इसका इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो क्या है? स्ट्रोंग है। इसका क्या है? वीक। ये साफ पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस ही क्या हो गए दोनों के? इक्वल। देखो 5 सेंटीमीटर पे देख रहा हूँ, एक क्या देख रहा हूँ? 2 सेंटीमीटर देख रहा हूँ भाई। एक तो दूर खड़ा है तो कितनी की फोर्स लगा रहा है? 4 न्यूटन की। एक पास आ गया तो कितनी की फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन वैलिड रीजन है, जैसे जैसे पास आएगा तो फोर्स की वैल्यू तो क्या ही होगी? बढ़ेगी। कर सकता हूँ जब इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो ना, डिस्टेंस क्या हो सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर पे, ये भी 5 सेंटीमीटर पे, तब तो मैं कंपेयर कर दूं, वरना मैं कैसे करूंगा? कर तो वैसे भी सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहेगा? ध्यान रखना, क्योंकि इस केस में तुम असली ताकत नहीं बता पाओगे, असली ताकत नहीं बता पाओगे। इसमें तो सेम है, देखो इसमें कह रहा है तू 5 सेंटीमीटर, माइक ऑफ करो। इसमें क्या रहा है? 5 सेंटीमीटर दूर पर ये वाले चार्ज को रखा मैंने, तो इसको 5 न्यूटन। वो ये समाप्त करो, एक रथ है, एक मतलब योद्धा है बढ़िया वाला, ये भी कौन सा है? एक बढ़िया वाला योद्धा है।
तो वो कह रहे हैं दोनों योद्धा के सामने मैं वो लेके आया दुश्मन, दिख रहे हैं ना सबके सामने वॉरियर्स लेके आया, दोनों को कितने दूर रखा हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसने इसको बहुत जोर से मारा 5 न्यूटन की फोर्स से, लेकिन ये कितने जो फोर्स से मार पाया सिर्फ 4 न्यूटन, तो कौन सा ज्यादा ताकतवर है? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, रेड वाला ताकतवर है ना? Yes, sir. Yes, sir. दुश्मन को रखा था उसमें तो दोनों को समान दूरी पे रखा था 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर जो दुश्मन है वो कितनी दूर पड़ा है? 2 सेंटीमीटर, यहाँ तो पास ही ले आया, वो कहता तू पास ले आया तो आराम से निशाना लगा दूंगा मैं, है ना? तो सब इसीलिए उसकी ज्यादा फोर्स क्या आई, ज्यादा ही। लेकिन तुम ये भी तो देखो यहाँ पर दुश्मन दूर खड़ा था तो निशाना लगाने में थोड़ी सी दिक्कत भी तो हुई होगी, इसलिए फोर्स थोड़ी सी कम आई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो महाभारत में युद्ध का नाम, महाभारत तो सुनी थी ना सबने, मैंने बताया था थोड़ा बहुत, उसमें उसमें दो युद्ध होते थे, अर्कर्ण अर्जुन का नाम सुना सबने, उसमें बोलते थे जब अर्जुन ने करण पे बाण चलाए, ठीक है, तो क्या होता था ऐसे बोला जाता है, जब अर्जुन ने करण पे बाण चलाए तो करण का रथ सिर्फ कितने पर ये पीछे जाता था, सपोज करो 3 पहिए, 3 कदम पीछे जाता था, कितने कदम? 3, ठीक है। जब करण ने अर्जुन पे बाण चलाया तो अर्जुन का कितने जाता था? किसी ने नहीं सुनी हुई, चलो मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा बताते हैं हल्का फुल्का, फिर छुट्टी कर रहे हैं, इसके बाद एक ही प्रॉपर्टी रह जाएगी हमारी, नहीं 2 रह जाएगी, पहले प्रॉपर्टी खत्म करते हैं फिर सुनाऊंगा ये स्टोरी, ठीक है? ये चीज याद रखना, ये वाली चीज याद रख, समझ में आ रही है ना ये वाली बात? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाली क्या चीज है सर? भाई हमने अभी देखा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ, मतलब की तरफ आ रही है, इनवर्ड की तरफ। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, दिख रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पॉजिटिव से खत्म होकर पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है अगर अकेला चार्ज पड़ा हो तो नेगेटिव के पास जाए ना, कहां तक चली जाए, कभी खत्म ना हो, तो बोल देते हैं इसको इन्फिनिटी। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा नहीं होगी, नेगेटिव चार्ज पे आ रही है तो आज सिर्फ यहीं से आ रही हो, इन्फिनिटी से भी आ सकती है। तो याद रखना ये टर्मिन मतलब नेगेटिव चार्ज पर भी पहुंच सकती है, एंड भी हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। लेकिन वो कब जाएंगी? जब चार्ज मेरा कैसा बढ़ाओ, अकेला बढ़ाओ, कैसा बढ़ाओ? अभी तो क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे जा रही है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा समझो, फॉर द फील्ड लाइंस आइदर टू स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और एंड एट इन्फिनिटी, सिंगल होना चाहिए। अगर एक अकेला पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उसके ऊपर दो फील्ड लाइंस है तो वो तो निकलेंगी उससे, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव में अंदर आती है, समझ रहे हो? Yes, तो अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो उससे तो निकलती रहेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव चार्ज है नहीं तो उससे तो सिर्फ निकलती जाएंगी, पॉजिटिव से कहां तक चली जाएंगी? नेगेटिव चार्ज से तो आती है, नेगेटिव चार्ज के पास तो आती है, पर साथ में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कहां से आ रही होंगी? चार्ज के लिए कैसे होती है? इन्फिनिटी से, समझ में आ रहा है? कहाँ पर होंगी, कौन से केस में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में मैं बोल रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं बोल रहा हूँ एंड हो रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आकर किसी कहीं पर एंड हो रही है, तो वो चार्ज और मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो जब स्टार्ट हो रही है तो मतलब पॉजिटिव से, एंड हो रही है तो मतलब नेगेटिव। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बच्चे, जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना, सेम
होता था एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर और कहां तक एफ एन। लेकिन ये सम कैसा होता था, कौन सा सम था ये? वेक्टर सम। अगर एक चार्ज पे फी फोर्स देखनी है मेरे को सबकी तरफ वजह से, तो मैं क्या करूंगा सबके फोर्स को ऐड कर दूंगा, लेकिन ये कैसा एडिशन होगा? वेक्टर सम। ऐसे ही अगर एक चार्ज की वजह से फील्ड देख रहा हूँ किसी किसी एक पॉइंट में, मैं फील्ड देख रहा हूँ बहुत सारे चार्ज की वजह से, किसकी चार्ज किसकी कितने चार्ज की वजह से, बहुत सारे चार्ज की वजह से, बहुत सारे यहाँ पर इस बी पॉइंट पर, तो इसी वजह से देखूंगा, इसकी वजह से देखूंगा, इसकी वजह से देखूंगा, ई वन ई टू ई थ्री जितने भी आएंगे उन सबको क्या कर दूंगा, एड प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन ये एड कैसा होगा? वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है? मतलब साथ साथ क्या देखूंगा, एड करते टाइम इसकी क्या देखूंगा दिमाग में, वेक्टर एडिशन, साथ साथ इनकी डायरेक्शन। मतलब अगर अपोजिट होंगे तो माइनस कर दूंगा, सेम होंगे तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दूंगा, अगर किसी एक एंगल पे होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, r is equal to root of p square a square b square plus 2ab cos theta। सेम टू सेम वही है ना, बिल्कुल। यस सर। फोर्स पे ज्यादा टाइम लगाया ताकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें ज्यादा टाइम ना लगे, नहीं लगे। अब हम सीधा इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास टाइम तो नहीं है वह ना, वैसे तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कल आते ही इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा हमने फोर्स के लिए करा था ना, फोर्स के लिए याद है? दो तीन चार्ज थे उसकी वजह से फोर्स पड़ी थी। अब क्या करेंगे सर, क्या निकालना है अभी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, एट थर्ड वर्टेक्स, मतलब यहाँ पर इन तीनों की वजह से कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो बताना फिर मुझे कैसे होगा, आज ट्राई करके आना है। देखो क्यू की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पर कहाँ लगेगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह ऐसे इसकी तरफ से इस पॉइंट पर बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? Yes. एक फोर्स मेरे पास इधर की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके लगभग सेंटर में। और फॉर्मूला यही लगता था क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए की जगह क्या लिख दूंगा, इवन, और बी की जगह क्या लिख दूंगा, इनके बीच में 60 डिग्री। ये हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा था ना कि कैसे 60 डिग्री, बट बिल्कुल अपोजिट वैल्यू बता दो ई वन और ई टू की फॉर्म में, ई वन की वैल्यू निकाल लेंगे हम कल, ठीक है? बाकी तुम निकाल yes, फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं हम, क्या होता है के क्यू अपॉन में आर का के, तो ये रहा, इस केस में क्यू ये है, आर कितना होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये इवन की वैल्यू है, ई टू की वैल्यू बताना, यानी ये इसके यहाँ यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, फॉर्मूला तो इसका भी क्या होगा के कौन आर स्क्वायर, कुछ फिर फर्क है क्या, चार्ज भी क्या है सेम, डिस्टेंस भी क्या है सेम, इवन की वही वैल्यू आई जो ई वन ई टू, तो यानी ए और बी दोनों आपस में क्या है इक्वल। इसकी जगह भी ई लिख दूं, इसकी जगह भी ई लिख दूं प्लस टू, ए की जगह फिर से ई, ई इनटू ई क्या होता है ई का स्क्वायर, कोस थीटा कितना है कोस 60, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना होता है 2 ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर, होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया सर, टोटल कितना कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय ई, यही आ जाएगा ना? कहा आया, बस अब किसकी वैल्यू कट कर दो, ई की, ई की निकाल रखी हमने, क्या है ए क्यू बाय आर स्क्वायर है ना? बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हमने फोर्स पढ़ा था, बिल्कुल कुछ भी फर्क है इसमें, देखो बस फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया। Yes, sir. एक क्वेश्चन है मेरे लिए, कौन सा क्वेश्चन करोगे सर? क्या क्वेश्चन क्या था, फर्क क्या है दोनों में पहले मुझे ये बताओ, उसमें क्या फॉर्मूला का ही फर्क था ना, बाकी सब तो सेम ही आया सब, तो डायरेक्शन कैसा लिया, बस किसकी फर्क आ गई सर, फॉर्मूला का फर्क आ गया, और उसमें के क्यू वन क्यू टू होता था लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ एक चार्ज होता है, समझ में आ रहा? फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज आता ही नहीं, आता है क्या टेस्ट चार्ज? नो, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या टेस्ट चार्ज को मेंशन भी किया हुआ है कहीं? नो सर, इसलिए इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको पता है टेस्ट चार्ज तो फॉर्मूले में आता ही नहीं, तो जब इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर तो ये क्या हो जाएगा सोर्स चार्ज, इसकी वजह से निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा सोर्स चार्ज, समझ में आ रहा है? याद ना, फोर्स देखते हो किसी एक चार्ज की दूसरे चार्ज, लेकिन फील्ड क्या करते हो किसी एक चार्ज की फील्ड देखते हैं, किस पर देखते हो, किसी किसी दूसरे चार्ज पर देखते हो या किसी पॉइंट पर देखते हो? किसी पॉइंट पर देखते हो। फोर्स हमेशा किसी एक चार्ज की दूसरे चार्ज पर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो तो किसी एक पॉइंट पर देखोगे ना, जैसे हमने यहाँ पर बनाया कि Q पर पॉइंट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या पॉइंट वन पर, तो फील्ड किस पर देखोगे हमेशा किसी, दोबारा बोलो, किसी पॉइंट पर, लेकिन फोर्स किस पर देखोगे किसी दूसरे चार्ज पर, हो जाएगा ये? Yes, sir. अटेंडेंस रुको एक सेकंड, आज लेनी है बस, और कल से तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा शुरू। सर तो मैथ्स का तो हो गया ऑटोमेटिकली, फिजिक्स का नहीं हुआ? मैथ्स का ऑटोमेटिकली हो गया? हाँ जी। Yes, sir. वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से हुआ है ना, मतलब जूम का हिसाब से लेते हैं सर, ठीक है मैं बताता हूँ, वो एक्सटेंशन के हिसाब से लेते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्लस्टर में हमारा भी शुरू हो जाएगा। आपसे कहानी बतानी थी, क्या बोल रहे हो? कहानी क्लास में आप कल आके करेंगे थोड़ा सा, है ना, आज क्लास में तुम्हारा भी टाइम हो जाएगा, 7:06 हो गई तो पहले हम एक बार अटेंडेंस ले। सिया दिख रहा है सबको नाम? यस नहीं दिख रहा हुआ ना, एक सेकंड दिख रहा है? फटाफट बोले सिया। यस सर। भारती, अंजलि, उर्वशी, इशिता, इक्षिता, यस सर, सिमरन, यस सर, आशा, ऐश्वर्या, हीना, शाजिया, यस सर, यस, सानिया, यस सर, साक्षी, यस सर, अंशिका, यस सर, वैशाली, सर, कुंजन, यस सर, रितिका, वंशिका, यस सर, अवंतिका, अवंतिका अभी तो थी, कहाँ है अवंतिका? सब थी तो सही, अभी थी? हाँ है ना अवंतिका? यस सर, बता देना, चलो आए तो। हर्षिका, हर्षिता है, चल रहा था, ठीक है ठीक है, लगा दी। हर्षिता, यस सर, सुनिधि, यस सर, अलग, भावना, सानवी, यस सर, अंतरा, प्रेजेंट सर,
प्रियंका, कोमल, प्रेजेंट सर, तन्वी, अनिका, यस सर, पायल कुमारी, यस सर, अनिष्का, यस सर, इसका नाम था रीटा, रीटा, यस सर, हाँ, और सिमरन, यस सर, आयल, यस सर, पल्लवी, पल्लवी, काशी, यस सर, राधिका, नहीं है, तनिष्का, तनिषा, रिधिका, तनिषा धीमन, स्नेहा सुमन, यस सर, यस सर, इशिता, इशिता, सर यस है, यस सर, कनिका, कनिका, यस सर, मीशा देवी, यस सर, शगुन, यस सर, तमन्ना देवी, यस सर, नेहा कुमारी, रजनीश कौर, यस सर, शिवानी देवी, शिवानी, दीपिका चौहान, प्रेजेंट सर, दीपिका कुमारी, मुस्कान, यस सर, अंकिता कुमारी, यस सर, जिया भाटिया, यस सर, अंकिता, यस सर, कंचन, लीना, प्रेजेंट सर, निकिता, मुस्कान, यस सर, ऋषिता, खुशी पवार, यस सर, अन्या, जिन्होंने रीमा के नाम से ज्वाइन करते हैं जो सर, बाय, समझ नहीं आ रही मुझे सर, मैंने कहा बाय 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 बाय, सिमरन, यस सर, बाय 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 सर, बाय भाई, हाँ सबको बाय है ना, हम अटेंडेंस ले लेते हैं इतने, थैंक यू एवरीवन, मानसी, यस सर, पलक, इसकी हो गई, जाओ अटेंडेंस, पलक, नियति, अच्छा नहीं आए पलक, हाँ भाई सबको बाय अब है ना, इनमें से कोई रह गया हो या जो आज आया हो उसका नाम अनाउंस ना आया हो मुझे बताओ, आपने अटेंडेंस क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, थर्सडे की अटेंडेंस नहीं लगाई थी आपने, तो अटेंडेंस तो लगा रखी है मैंने अब सबकी, तो नहीं लगी आपकी, नो नेटवर्क इशू था, लगी तो हुई है 20 तारीख की ना सर, ऋषिता की अटेंडेंस नहीं लगाई आपने, ऋषिता की बताओ कौन से पे, किसकी नहीं लग रही बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बताओ, थर्सडे की, आपको तो मैसेज भी किया, डेट, डेट बोलो, डेट 20th को, यस सर, है ना, कौन नाम बोलो आपका, कौन से नंबर पे, फटाफट बताओ, नाम बोलो बच्चे आपका, शिवानी के बाद दीपिका चौहान, दीपिका, अच्छा हाँ हाँ आपने बोला था, कहाँ पर है आपका, ये ठीक है, और कोई रह गया था, ऋषिता, सर प्रियंका, ऋषिता, ऋषिता जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था उनकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ऋषिता आज की नहीं लगाई आपने, आज की बताओ, हाँ बताओ, ऋषिता कहाँ है आपका नाम, सर नीचे है, नीचे बताओ कौन से पे, सर ये है 62 पे, 62 पे, ठीक है, और कोई रह गया आज के अटेंडेंस में, आज के अटेंडेंस में और कोई, सर पल्लवी, प्रियंका, नंबर बोल दो बच्चे अगर आपको दिख रहा है तो, इसमें प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका कहाँ है, ऊपर है सर, ऊपर 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 कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही है ना,
और कोई? चलो फिर ठीक है, आज के लिए हो गया, डन बच्चे, थैंक यू एवरीवन। अक्षित, अक्षित आपकी नहीं हुई अटेंडेंस सर, अक्षित पल्लवी, ठीक है पल्लवी आपका नाम है क्या? अक्षित आपने जो इनके हुआ? यस सर। ठीक है लगा दूंगा बच्चे अभी, ठीक हाँ, थैंक यू बाय, अभी लगा रहा हूँ बस, थैंक यू सर बाय बाय।